बॉलीवुड एक्ट्रेस राधिका आपटे शादी के 12 साल बाद मां बनने वाली हैं। एक्ट्रेस ने BFI लंदन फिल्म फेस्टिवल में अपना बेबी बम फ्लॉन्ट कर फैंस को सरप्राइज कर दिया था। दरअसल राधिका आपटे ने बाकी हसीनाओं की तरह अपनी प्रेगनेंसी की अनाउंसमेंट सोशल मीडिया पर नहीं की, जिस वजह से बेबी बम के साथ फिल्म फेस्टिवल में राधिका को देख हर कोई शॉक्ड था। मगर क्या आपको मालूम है कि राधिका आपटे और उनके पति कभी बेबी नहीं चाहते थे। एक्ट्रेस ने अपनी प्रेगनेंसी जर्नी शेयर करते हुए कहा कि पहला ट्राइमेस्टर काफी मुश्किल भरा था। टाइम्स से इंटरव्यू में राधिका ने कहा कि मैं 5 रात तक सोई नहीं थी, तीसरे ट्राइमेस्टर में इंसोमेनिया हो गया और मैं सो नहीं पा रही थी। लोग मुझे बोल रहे थे कि तुम्हें खुश रहना चाहिए क्योंकि तुम्हारा बेबी होने वाला है। मेरा मन करता था उन्हें पंच मार दूं जो ऐसा बोलते हैं। मैं बता रही हूं कि मुझे दिक्कत हो रही है और आप कह रहे हैं कि मैं खुश रहूं। बता दी कि राधिका आपटे करीब 2 हफ्ते तक इस बात को एक्सेप्ट नहीं कर पाई थी कि वो प्रेग्नेंट हैं। प्रेगनेंसी के चलते हुई मुश्किलों की वजह से शूटिंग के वक्त राधिका रो पड़ती थी। राधिका ने कहा था कि मैं उस वक्त दर्द में थी और लोग मुझसे खुश रहने की उम्मीद करते थे। राधिका ने कहा उनका बच्चे को लेकर कोई प्लान नहीं था, ये उनके लिए बड़ा टर्निंग पॉइंट है। उन्हें अपनी बॉडी में काफी बदलाव महसूस हुए थे। एक्ट्रेस ने बताया कि प्रेगनेंसी मजाक नहीं है। किसी की बहुत अच्छी प्रेगनेंसी होती है, किसी के लिए आसान और किसी के लिए अलग। प्रेगनेंसी काफी मुश्किल होती है और ये बॉडी के अकॉर्डिंग बदलती रहती है, तो मेरे लिए ये काफी मुश्किल जर्नी है। मैं झूठ नहीं बोलूंगी, बहुत मुश्किल होता है खुद को फिजिकली और साइकोलॉजिकली तैयार करना। उनके पति और वो बच्चा नहीं चाहते थे और जब उन्हें पता चला तब 2 हफ्ते हो गए थे। हालांकि जब उनके पति को पता चला कि राधिका प्रेग्नेंट हैं, तो वो एक्ट्रेस की प्रेगनेंसी को लेकर काफी सपोर्टिव रहे। हालांकि राधिका को इसे स्वीकार करने में थोड़ा टाइम लगा। बता दें कि 39 साल की राधिका ने ब्रिटिश म्यूजिशियन बेनेडिक्ट टेलर से शादी की। बेनेडिक्ट सिंगर होने के साथ साथ वायलिन वादक और म्यूजिक कम्पोजर भी हैं। उन्होंने कई फिल्मों और थिएटर प्रोजेक्ट्स के लिए काम भी किया है। राधिका के पति लाइमलाइट से दूर रहना पसंद करते हैं। सोशल मीडिया पर भी एक्ट्रेस की पति संग कुछ गिनी चुनी तस्वीरें हैं। राधिका और टेलर की मुलाकात लंदन में हुई थी, जहां एक्ट्रेस फिल्मों से ब्रेक लेकर कंटेम्पररी डांस सीखने के लिए गई थी। 2011 में दोनों की मुलाकात हुई, जिसके एक साल बाद ही दोनों ने नॉर्थ इंग्लैंड में इंटीमेट वेडिंग कर ली। कोर्ट मैरिज के एक साल बाद दोनों ने अपनी वेडिंग रिसेप्शन आयोजित कर शादी की खबर अनाउंस की थी। शादी के बाद कपल करीब 9 साल तक लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहे। दोनों अपने करियर पर असर नहीं पड़ने देना चाहते थे। जहां राधिका मुंबई में रह रही थी, वहीं उनके हस्बैंड विदेश में। दोनों ने महीने में एक बार मिलने का फैसला किया। 9 साल तक ये सिलसिला जारी रहा, लेकिन कोविड के बाद से ही राधिका अपना ज्यादा से ज्यादा समय लंदन में बिताने लगी। दिलचस्प बात ये है कि राधिका के पास अपनी शादी की एक भी तस्वीर नहीं है। राधिका ने एक बार बताया था कि उनकी शादी में मौजूद सभी लोग नशे में थे, जिस वजह से किसी ने भी उनकी शादी की कोई तस्वीर क्लिक नहीं की। ऐसे ही और वीडियोस के लिए आप नारी के पेज को YouTube पर सब्सक्राइब, Facebook पर लाइक और Insta पर फॉलो करना ना भूलें।